उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत इस विधानसभा चुनाव में किसी से छिपी नहीं है। कैसे बैगरत होकर भाजपा के विधायक अपने ही विधानसभा क्षेत्र से भाग रहे हैं, ये हम सब ने यूपी विधानसभा के दौरे में देखा है। कहीं यूपी में लोगों को बुलडोजर चलाने की धमकी देकर वोट लेने की भाजपा के नेता अपनी नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं पीएम मोदी अपने फ्लॉप रैलियों में लोगों को हमेशा की तरह जुमले देकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच भाजपा के लीचरपन की एक नई खबर निकलकर सामने आई है, जहां भाजपा ने सारी हदें पार कर दी है, वोट पाने के लिए शराब बांटना शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, खुलेआम यूपी में दारू बांटी जा रही है भाजपा के लोगों द्वारा, ताकि चंद वोट हासिल किए जा सके। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर अलग ही एजेंडा चला रही है और सीधा भाजपा के नेता फूल देकर सेना से उनकी तुलना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जमानिया विधानसभा में चुनाव के एक दिन पूर्व आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में पुलिस ने बुद्धिपुर शाह के कुएं के पास से भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता सहित तीन लोगों को शराब नगदी 60,700 रुपए के साथ पकड़ा। शनिवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष तीन लोगों को लेकर बुद्धिपुर मोहल्ले के शाहजी कुएं के पास पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए शराब व रुपए बांट रहे हैं। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता, बुद्धिपुर निवासी नीतीश निगम व धनौता गांव निवासी रोहित कुमार को पकड़ा। आप हालात देखिए, भाजपा की यूपी में किस कदर खराब हो चुकी है, कुछ वोट हासिल करने के लिए भाजपा कितनी नीचे गिरती जा रही है और किन हरकतों पर आ गई है। वहीं अब आप ये दूसरी वीडियो देखिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोदी मीडिया द्वारा नरेटिव की तरह शेयर की जा रही है, जिसमें भाजपा नेता के फूल देने के काम की तुलना सीधा सेना के शौर्य से की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता जिस काम के लिए सरकार होती है, सरकार वही काम कर रही है, तो फिर भाजपा क्यों बाज नहीं आ रही है? और क्या गोदी मीडिया सिवाय दलाली करने के लिए और कुछ नहीं कर सकती? जो सेना के शौर्य से तुलना ऐसे नेताओं से कर रही है, क्या हमारी सेना और उनके जवानों का अपमान नहीं है, जो जान हथेली पर रखकर बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, और यहाँ गोदी मीडिया छुटपुट नेताओं की तुलना हमारे जवानों से करती है। भाजपा को काम नहीं, एजेंडा करना है, ताकि भोली भाली जनता को कभी हिंदुत्व तो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर बहकाया जा सके और सत्ता में बैठकर अपनी जेबें भर सके। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।